नमस्कार दोस्तों, पैन कार्ड नेम चेंज ऑनलाइन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां काफी सारे व्यूअर्स ने एक सेम क्वेश्चन पूछा था कि अपने नाम में सुधार करने के लिए अगर पहले से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या हम अपने पैन कार्ड में नाम को चेंज या अपडेट करवा सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यस, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। चाहे आपका पूरा नाम गलत हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर मिडिल नेम या सरनेम को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, यहाँ तक कि अगर शादी के बाद कोई महिला अपने पैन कार्ड में हस्बैंड नेम को ऐड करना चाहती है तो सारे के सारे काम आप सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट से घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका ऑनलाइन पूरा प्रोसेस क्या है, वो डॉक्यूमेंट कौन सा है और कहां से मिलेगा और कितनी फी पे करनी हो, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड करेक्शन का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की इस ऑफिशियल साइट पे आना होगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। फिर यहां पे आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो यहां एप्लीकेशन टाइप में आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड। फिर यहां पे कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, यानी कि जिस व्यक्ति के पैन कार्ड में आप नाम को चेंज या अपडेट करना चाहते हैं उस व्यक्ति की डिटेल्स को यहां पे एंटर करना है। तो टाइटल में श्री श्रीमती कुमारी में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना लास्ट नेम या सरनेम, जो भी आप अपनी कास्ट अपने नाम के आगे यूज करते हैं, उसको यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। और अगर आप अपने नेम में मिडिल नेम को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा होता तो इस बॉक्स में मैं कुमार को लिखता, और अगर यूज नहीं करते जैसे मेरा नाम सिर्फ मुकेश वर्मा है तो इस बॉक्स को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों काफी लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे कोई भी मिडिल नेम या सरनेम को यूज ही नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सिर्फ मुकेश होता, यानी कि फर्स्ट नेम ही यूज करता हूं, तो मुझे अपना नेम इस बॉक्स में टाइप करना होगा जहां लास्ट नेम और सरनेम लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा रेड स्टार मार्क है। इसका मतलब होता है कि पूरे प्रोसेस में जिस ऑप्शन के ऊपर भी ये रेड स्टार होगा उस ऑप्शन को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसको फिल करना मैंडेटरी होता है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात का और ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में काफी बार पूछा गया था कि यहाँ पे नया वाला नाम लिखना है या पुराने वाला, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपना नया वाला नाम ही एंटर करना है जो आप पैन कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पहले वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसको देख के आप सभी ऑप्शन को फिल कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के कैसे नेम करेक्शन हो सकता है उसके बारे में बताना। तो अब सेकंड स्टेप में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जिसके लिए पहले आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पे आना है, जहाँ से पहले तो ये पूछा जाएगा कि पैन कार्ड करेक्शन के लिए आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कैसे करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड E-Sign पेपरलेस। ये ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना होता है अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है, साथ ही उसमें आपका जो नया वाला नाम है वो पहले से अपडेट है, क्योंकि इस ऑप्शन में आपको सिर्फ अपना आधार नंबर डालना होता है और उस आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है आपको उस पे एक OTP भेजा जाएगा जिसको डाल के आपको वेरीफाई करना होता है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो अगर आप भी आधार कार्ड EKYC ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को फॉलो करें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू E-Sign। इसका मतलब अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट प्रूफ है जैसे कि वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो इसमें आपको ये फॉर्म भरने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और ये एप्लीकेशन फॉर्म को पैन कार्ड ऑफिस में जाके फिजिकली सबमिट करना होता है या उसको डिस्पैच करना होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, जिसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो बाकी का फॉर्म आप पिछली वीडियो को देख के फिल कर लेंगे। फिर लास्ट में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे आना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो आप अपने नाम को चेंज या अपडेट करने के लिए देना चाहते हैं। तो यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है। लेकिन जैसे कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो हमारे लिए यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी साइंड बाय अ गजेटेड ऑफिसर, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर म्युनिसिपल काउंसिलर। तो इन चारों के लिए एक ही फॉर्म होता है, जिसे कैसे फिल करना है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए, वो है बैंक सर्टिफिकेट। तो जिसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके फॉर्म को फिल करके यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा। तो पहले हम फर्स्ट वाले फॉर्म को भरने का प्रोसेस समझेंगे, जिसे एनेक्स्टर ए के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसको डायरेक्ट
डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस फॉर्म में यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है और जिस अधिकारी से आप फॉर्म को अटेस्ट करवाएंगे उनके सिग्नेचर और स्टैंप आधा फोटो के ऊपर और आधा फोटो से बाहर लगवानी है, जैसा कि डेमो के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके लिए आप अपने एरिया के गजेटेड ऑफिसर जैसे कि MLA या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से ये फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हैं, जो एक आसान तरीका होता है। तो गजेटेड ऑफिसर के अलावा इनमें से किसी से भी आप ये फॉर्म को अटेस्ट करवा सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे आपको अपना नया वाला नाम लिखना है जहाँ पे वो ऑफिसर आपको सर्टिफाई करेंगे। फिर नीचे आपके माता या पिता किसी एक के नाम को लिखना है, और अगर कोई लड़का इस फॉर्म को भर रहा है तो यहाँ सन के ऊपर पेन से टिक करना है, और अगर कोई लड़की है तो डॉटर के ऊपर। दोस्तों, जो लड़की शादी के बाद अपने पेरेंट्स के नेम को हटा के हस्बैंड नेम लिखना चाहती है तो मैं आपको बता दूं, पैन कार्ड एक अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हस्बैंड नेम का ऑप्शन ही नहीं होता, यानी कि शादी के बाद भी इसमें सिर्फ पेरेंट का ही नाम आता है। तो इसके लिए आप सिर्फ शादी से पहले वाला सरनेम हटा के हस्बैंड वाला सरनेम ऐड करवा सकते हैं। फिर यहाँ नेम में आपका पूरा नाम फिर से आ जाएगा, और नीचे फादर नेम में अपने पिता का नाम लिखना है, और यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कि इवन इन केस ऑफ मैरिड लेडीज फादर नेम इज टू बी प्रोवाइडेड। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि शादी के बाद भी सिर्फ पेरेंट का ही नाम लिखना होता है। इसके बाद नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस लिखेंगे, और सबसे नीचे प्रीवियस नेम वाले बॉक्स में आपका जो पुराना नाम है जो पहले वाले पैन कार्ड में लिखा हुआ है, यानी कि जो गलत नाम है, और ऊपर आपको अपना नया वाला नाम लिखना है जो आपको अपने नए वाले पैन कार्ड में प्रिंट करवाना है। इसके बाद नीचे डिटेल्स ऑफ इश्यूअर यानी कि जो अधिकारी इस फॉर्म को फिल कर रहा है उनकी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें उनका ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखना है। फिर नीचे ऑफिशियल सील में उनकी स्टैंप लगानी है, और नीचे उस दिन की डेट और प्लेस आ जाएगा जब आप फॉर्म को फिल करवा रहे हैं, और सामने उस ऑफिसर के साइन आ जाएंगे। उसके बाद उस ऑफिसर का पूरा नाम और डेजिग्नेशन में उनका क्या पद है, जैसे MLA या डॉक्टर जो भी है, और नीचे उनके डिपार्टमेंट का नाम, जैसे वो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है या गैस्ट्रोलॉजी है तो जिस डिपार्टमेंट में भी वो वर्किंग है वो लिखेंगे। फिर उनका ID नंबर और साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी उनको देनी होगी। पहले दोस्तों अधिकारी का ID प्रूफ नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ये देना मैंडेटरी है ताकि कोई भी फेक साइन और स्टैंप बना के मिसयूज ना कर सके। और लास्ट में उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। अब इस फॉर्म का आगे क्या करना है, इससे पहले बैंक सर्टिफिकेट के फॉर्म को कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। और इस सर्टिफिकेट के फॉर्म को एनेक्सर सी के नाम से जाना जाता है, और बाकी का प्रोसेस ऑलमोस्ट पुराने वाले फॉर्म की तरह ही है। जैसे यहाँ पे आपकी फोटो और ऑफिसर के साइन और स्टैंप, फिर यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद यहाँ पे माता या पिता का नाम, और नीचे आपका बैंक अकाउंट नंबर आएगा जिस बैंक से आप ये फॉर्म को अटेस्ट करवा रहे हैं। फिर नीचे उस ऑफिसर का नाम और डेजिग्नेशन और उनका पैन नंबर आ जाएगा, और यहाँ ब्रांच का एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, फिर सामने उनके साइन और स्टैंप आ जाएगी, और यहाँ पे डेट और प्लेस का नाम। अब दोस्तों ये फॉर्म भर के आपको स्कैन करना होगा, या फिर अपने फोन से क्लियर इमेज लेके इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, और अपने मोबाइल या लैपटॉप से पैन कार्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएं और यहाँ इस ऑप्शन पे आके इसको अपलोड कर लेंगे। ध्यान रहे इसका साइज जो है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको एरर शो करेगा, और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको जो भी फी होगी वो आपको ऑनलाइन भरनी होगी, जिसके बाद आपकी पैन कार्ड करेक्शन की ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जिसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझने के लिए पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।